रात के 1:15 हो गए हैं और अभी मेरी वीडियो रेंडर हो रही है। बहुत मेहनत लगती है गाइस इस चीज़ में, ब्लॉग करो, एडिट करो, इतना आसान नहीं होता ब्लॉगिंग करना। बट वही, अगर आप लोग अप्रिशिएट करते हैं काम को, अगर ब्लॉग को, तो अच्छा लगता है। घर पे वैसे सब सोने के लिए चले गए, बस एक मैं ही हूँ जो उल्लू की तरह जाग रहा हूँ, क्योंकि मुझे करनी थी एडिटिंग, फिर अपलोड करना था। अभी तो रेंडर नहीं हुई है, फिर एक्सपोर्ट होगी, फिर उसको अपलोड करूंगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा यार, 1:15, पता नहीं कब सो पाऊंगा मैं आज। अभी कितना हुआ है? ओह शिट, अभी हाफ रेंडर नहीं हुआ है, 12:50 हो गए। वैसे दीपा थी थोड़ी देर तक यहाँ पे, लेकिन अब उसे भी, क्योंकि ऑफिस से आई तो उसे भी नींद आ रही है, और कल भी उसे ऑफिस जाना है, तो वो तो जाके सो गई है। गाइस सही में इतना दिमाग खराब हो गया, आज 1:30 बज गया और अभी तक एक्सपोर्ट नहीं हुआ। इससे पहले 90% हो गया था, पता नहीं क्या हुआ और सडनली सॉफ्टवेयर में इशू आ गया। मुझे सॉफ्टवेयर क्लोज करना पड़ा पूरा एंड देन रिस्टार्ट करके दोबारा अब इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। यार मतलब जब जल्दी होती ना तभी चीज़ें खराब हो जाती हैं। अगर अब इस बार बंद हो गया तो फिर मैं लैपटॉप बंद कर दूंगा और सुबह देखूंगा एक्सपोर्ट की क्या हो रहा है। गैस दिस इज 2:43 AM, 3:15 बजे है रात के। अब जाके मेरी वीडियो अपलोड हुई है, तो मैंने साथ ही साथ थंबनेल बना लिया और फटाफट वीडियो को अपलोड कर दिया। अब सुबह 9:15 बजे के आसपास मैंने स्केड्यूल लगाया हुआ है, तो आई होप मिल जाएगा। वैसे जब तक ये ब्लॉग आएगा तो वीडियो कब की अपलोड हो चुकी होगी। अब चाहता हूँ सुबह सोने के लिए, आंखों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है यार। बट अच्छा भी लग रहा है कि वीडियो अपलोड हो गई है। आप लोग कभी ये ब्लॉग देख रहे होगे, बट जब भी देख रहे होगे, हैव अ गुड डे। The next day. गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू आर चैनल। एवरी मॉर्निंग जो मेरा फर्स्ट रूटीन रहता है वो योगा का रहता है, तो वो मैं कर चुका हूँ डन। एंड उसके बाद मैं ले रहा हूँ प्री वर्कआउट मील, जिसमें ड्राई फ्रूट्स हैं एंड फ्रूट्स हैं। और दीपा अपना ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, मैं थोड़ा लेट हुआ क्योंकि मुझे अभी एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूंगा। और दीपा क्या देख रही है अभी? ये हमारा जो नैनीताल का ब्लॉक कैंप का वो वाला ब्लॉग देख रही है, बहुत खूबसूरत जगह। अगर किसी को नैनीताल के आसपास विजिट करना हो ना तो ये देखना, बहुत प्यारा लैंडस्केप मिलेगा और रिवर भी है पास में। तो अभी तक किसी ने वीडियो देखी नहीं है वो मेरे चैनल में जाकर देख सकता है। ये लो, मैं ऐसे हेल्दी हेल्दी डाइट प्लेट पर सजा के लाता हूँ, उसमें से आधा ये खा लेती है। तो तुम क्यों नहीं लेके आती और मैं उसमें से आधा खाऊं? आपका भी मैं अपना खाऊंगी, बट आपके उसमें से जीएसटी भी तो कटेगा। ये हमेशा ऐसे करती है, मैं हमेशा कैलकुलेट करके लाता हूँ कि क्या क्या चीज़ मुझे खानी है और कितना कार्ब्स और प्रोटीन होना चाहिए, सारा हिसाब बिगाड़ देती है। अबे तेरी, ये क्या हो गया? शिट यार, यहाँ तो लेबर आ गई। अबे यार मेरा तो पोपट हो गया, नीचे लेबर आ गई। मेरे पोपट हो गया मेरा, मैं प्री वर्कआउट मील वगैरह लेके एकदम आज थोड़ा एनर्जेटिक था, मैंने कहा अब रेगुलर जिम करूंगा, नीचे गया तो लेबर आ गई थी, वापस आ गया, सारा वेस्ट हो गया। शाम को करोगे? देखते हैं अभी, शाम को पता नहीं, बाहर जाने का प्लान था। मतलब स्टार्ट करने के पहले कुछ सोचो, उससे पहले पनौतियाँ लग जाती है। जिम तो मैंने किया नहीं, तो कुछ ना कुछ और काम निपटा देता हूँ। एक हजार 130 व्यूज, बहुत सही है। इतने तो मेरे ड्रोन वाली वीडियोस में भी नहीं आते। गलती करी ये बहुत दोस्त, ये सारी वीडियोस मैंने रात को करी 12 बजे के बाद। अब और धीरे बोलो, और धीरे बोलो, इतना धीरे बोलो कि मैं फुल वॉल्यूम बढ़ाऊँ तो भी नहीं आवाज़ ना आए। मैं नहीं बनाऊंगा रील्स। तुम्हारे हाथ में कैमरा होता तुम ब्लॉग करते हो अभी? हाँ कब तू ब्लॉग करते हो? इसके हाथ में कैमरा होता ना तो सिर्फ ये कुछ नहीं बोल रही होती, जैसे मेरे हाथ में कैमरा होता तभी आवाज आने लग जाती है। तो इस वक्त काफी दिन से पापा का हेयर कट करना था, वो हो गया डन। अब मुझे छोटा सा काम है, कैमरा दिखाना मुझे, अभी दिक्कत क्या है एक बार आने के लिए तो बताऊंगा। एक्सरसाइज तो मैंने करी, फालतू में लेट और हो गया। बना क्या आज वैसे खाने में? छोले, ये तो दही है, दलिया, पूरी, छोले पूरी दही, आज मजा आएगा खाने में। और इसमें डालता हूँ थोड़ी सी प्याज। चलो A few moments later. गैस कल जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ उसकी एडिटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, तो वो मैं आगे करूंगा। अभी मुझे बाहर जाना है कहीं पे, मेरा फ्रेंड आने वाला है जानू मुझे पिक करने के लिए यहाँ पे, तो उसी के लिए मैं जा रहा हूँ। पर से जो मैं मॉर्निंग बता रहा था कि कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी मुझे दिखानी है। हाँ तो वैसे मैं बता रहा था किस लिए हम लोग आए थे अभी मार्केट में। हम लोग द्वारका में और जा रहे हैं रामफल चौक, जो सेक्टर 7 के पास है, सेक्टर 7 में ही है एक्चुअली में। वहाँ पे कैनन का स्टोर है, बड़ा पॉपुलर है, बहुत सारे ब्लॉगर्स ने वहाँ से कैनन के कैमरा और लेंसेज खरीदे। मैंने कैनन M50 मैंने वहीं से लिया था। और जानू, लोग जब मैं जानू बोलता था नहीं, लोग सोचते होंगे साला का कौन है इसका। मैंने कौन सा कैमरा लिया था मुझे याद नहीं, 200D Mark II। तो जो मुझे कैमरा वहाँ पे दिखाना है वो यही वाला है, G7X Mark II, जिससे मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। उसमें एक प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि जो पीछे ये जो फ्लिप वाली स्क्रीन होती है, अभी आपको दिखेगा नहीं, मैं अलग से बता दूंगा, जो फ्लिप वाली स्क्रीन होती है ना वो नीचे अटैच होती है, एक पैनल सा, एक फ्रेम सा होता है,
वो दो बोल्ट से अटैच होता है। अब वो क्या है कि राइट साइड वाला बोल्ट जो है ना वो निकल गया, मेरे को ध्यान नहीं दिया। जब मैंने एक बार व्लॉग कर रहा था, मैंने फ्लिप की स्क्रीन और एकदम से लूज सा हुआ, मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो राइट वाला तो बोल्ट है ही नहीं यहाँ पे, और वो सिर्फ लेफ्ट के भरोसे है अभी, तो कहीं लेफ्ट भी लूज हो गया वो भी निकल गया, तो पूरा का पूरा ये जो फ्लिप स्क्रीन है ना पूरी लूज हो जाएगी। ये बोल्ट ये देख, जो फ्लिप स्क्रीन होती है जिससे अटैच होता है, राइट हैंड साइड का एक बोल्ट निकल गया, सिर्फ लेफ्ट का बोल्ट बचा हुआ है। अगर ये निकल गया ना दोनों बोल्ट, तो ये जो बीच में दिख रहा है एक चिप सी है जिससे स्क्रीन शेयर होती है, बस ये वाली है। ये पूरा गायब हो चुका है यहाँ से। अरे इतनी भाई कैसे व्लॉग करूंगा मैं, तो यही सब दिखाना है। अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं मार्केट दिखाने के लिए, जानू की गाड़ी में ही है। बताओ इसकी, यहाँ हमने सोचा था जानू पता नहीं किसका ही नाम होगा, तेरा सही है ना वैसे, जो लड़कियां नाम ही हो वो भी तेरे को जानू बोलेंगे। पूरी दुनिया के लिए जानू है। उनको लगता है कि मैं अप्रोच कर रहा हूं या मैं ज्यादा फ्लर्ट कर रहा हूं, उनको कहता मैं सच बता रहा हूं। कह मैं सच बोल रहा हूं, मेरे घर वालों से जाके पूछ लो। ये कैसा नाम जानू? कह मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तो मैंने अपना नाम जानू ही रख लिया। इसका घर का नाम जानू, वैसे इसका नाम जितेंद्र है, स्कूल और शायद मेरे कॉलेज वालों को भी तेरा नाम जीतू ही बताया सबको। तो याद है हम लोग जब सत्य निकेतन कोचिंग में पढ़ते थे, तो वहां जाते थे तो मैं तेरे को बोलता था जानू, तो सब बोलते हैं ये कैसा नाम है जानू। मेरे क्या लगता है यार, इनको पता नहीं वो सीक्रेट। फिर मैंने भी जीतू बोलना स्टार्ट किया, मैंने थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा लौंडे को। ये है दिल्ली में ट्रैफिक का हाल। खैर हम भी लोग भी घूमने आए, लेकिन हम लोग काम से आए, फालतू में नहीं आए। एम्प्लॉई काम से क्या आए भाई? भाई ये कैमरा है भाई, अगर ये खराब हो गया। कैमरा खराब नहीं तो कभी हम आते खाने के लिए आते। अलग वाइब है इस मार्केट में, मेरे को मजा आता है। मतलब वो दिल्ली वाली मार्केट होती है, वो जो एकदम लाइटनिंग वाइटनिंग वाली है। बाकी भी है द्वारका में, सेक्टर 6 की है, सेक्टर 10 की है। द्वारका में थोड़ी महंगे वाले, थोड़े अमीरों वाले, शौक वाले लोगों के लिए मार्केट है। मतलब हम जैसे गरीबों के लिए ये मार्केट, हम जैसे गरीबों के लिए हर चीज मिल जाती है यहाँ पे। तूने कौन सी ली है? शेल्टोस ली है, और लड़की के पास घर पे रेंज रोवर खड़ी है। कभी मौका मिलेगा उसको भी व्लॉग करेंगे ऐसे बढ़िया। मैंने ट्राई नहीं करी यार ऑटोमेटिक, भी ट्राई करते हैं एक दिन, व्लॉग बनाते हैं। ये अंदर अंदर ऐसे कर रहा है, हाँ साले। ये रहा रामफल चौक, ये ना मेन रामफल चौक, ये पूरे सेक्टर 7 ही है मार्केट। ओ मिनीसो भी खुल गया। अरे हो अभी ये हुआ ना जापानीज ब्रांड मिनीसो है। हाँ मैंने इसको वहाँ पे देखा हुआ है, एमबीएस मॉल में। यही ना, अभी यही लगा दी, अभी आगे लगाना और ऐसे ले जब मैं बाहर जाऊँ, जब मैं बाहर जाता हूँ। कैनन के स्टोर तो हुआ है हम लोग, लेकिन वहाँ पे काम बना नहीं। वो कहते हैं वो सेल्स क्या होता है, सेल स्टोर है, और ये जो बोल्ट वाला काम है वो होगा सर्विस सेंटर पे। तो दिल्ली में एक ही सर्विस सेंटर है, वो भी कहाँ पे बताया था? बारह खंबा। अभी फिलहाल तो कह रहा है कि कल बंद रहेगा क्योंकि कल संडे है, तो बारह खंबा जाने का कोई फायदा नहीं। कल सोच रहा था कि यहाँ पे हो जाए, और प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो बोल्ट भी नहीं मिल रहा मेरे को। अगर वो बोल्ट मिल जाता ना तो मैं घर पे ही लगा लेता। ट्रैफिक देखो यार रामफल चौक पे, सब चीज़ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो हम लोग कभी कभार द्वारका में कुछ मिलता नहीं, तो हम लोग यहीं पे आ जाते हैं खाने के लिए, मोमोज वगैरह या फिर चाइनीज वगैरह कुछ आइटम खाने हो। गाइस काफी देर ट्रैफिक में फंसने के बाद हम लोग घर पहुंच ही गए हैं, और बहुत भूख लगी थी तो हम लोगों ने बीच में मोमोज खा लिए थे। अभी टाइम देखोगे तो ऑलरेडी 12:15 हो गए। अभी जाके मुझे व्लॉग एडिट करना है, देन सुबह 8:15 से पहले रेडी करना है, ताकि जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं वो इस व्लॉग को देख सकें। एंड गाइस यहां तक अगर वीडियो देख लिया तो प्लीज वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन आल्सो। आपका एक एक लाइक और कमेंट सपोर्ट करे मेरे चैनल को। मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय गाइस।